नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सीएम आवास में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान के अलावा सीएम आवास से भी झंडोत्तोलन किया। वहीं इस बार कोविड 19 के कारण हालांकि पहले की तरह रौनक देखने को नहीं मिली और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल गांधी मैदान के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लिया था और कार्यक्रम का संबोधन किया। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला सुनाया है। वहीं मुख्यमंत्री हर साल दलित बस्ती में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होते हैं और बस्ती की सबसे बुजुर्ग से अपनी मौजूदगी में झंडोत्तोलन करवाते थे, फिर संबोधन भी मुख्यमंत्री करते थे, लेकिन इस बार कोविड 19 के कारण मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की घोषणा जल्द करने का दिया आश्वासन। बिहार में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है और अब राज्य सरकार की नजर सरकारी शिक्षकों के लिए योजनाओं को लागू करने की है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की घोषणा जल्द करने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन समान वेतन मान मामले में पहले ही सरकार ने बजट का हवाला देते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया था, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के पास बजट भी आ गया है और सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए घोषणा भी करने वाली है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। बिहार सरकार ने एंटीजन जांच में कोविड 19 संक्रमित पाए जाने के बाद गंवाने वालों को मुआवजा देने का किया ऐलान। बिहार सरकार ने एंटीजन किट से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की जान जाने के बाद आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की जांच अलग अलग माध्यमों से लगातार कर रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों और सामान्य जीवन के बीच मुआवजे को लेकर भ्रम की स्थिति बनती देखी जा रही थी। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट किया है कि एंटीजन जांच में पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, एंटीजन किट से भी जांच में संक्रमित मरीजों की पहचान की जाती है। ऐसे में नियमानुसार एंटीजन जांच में संक्रमित पाए गए मरीजों की अगर जान चली जाती है तो उनके आश्रितों को भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। सिर्फ आरटीपीसीआर से ही कोविड 19 संक्रमण की पहचान नहीं होती है, एंटीजन किट से पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाने वाले वीर सपूतों और तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा है कि उनका यह बलिदान अमर है, उनके संघर्ष के कारण ही हम सभी को आजादी का यह महान तोहफा मिल पाया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारा और सद्भाव सहिष्णुता का वातावरण रखें। देश की आजादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए आज के दिन हम सब संकल्प लें कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, देश की प्रगति समृद्धि और विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल फागू चौहान ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल की भांति मध्यरात्रि में पूर्णिया के झंडा चौक पर हुआ ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल 1947 के बाद से चली आ रही परंपरा का पालन बिहार के पूर्णिया जिले में आज भी होता आया है, जिसके तहत 14 अगस्त की रात 12:01 पर ध्वजारोहण किया गया है। इस साल भी परंपरा को कायम रखा गया है। रात में विधायक विजय खेमका, स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर सिंह के पोते विपुल सिंह और अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक और अनंत भारती ने झंडोत्तोलन किया। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाघा बॉर्डर के बाद देश में यह दूसरी ऐसी जगह है जहां पर आधी रात में तिरंगा लहराया जाता है। यह परंपरा आजादी के बाद से चली आ रही है। आजादी की घोषणा होने के ठीक बाद अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा सबसे पहले यहां तिरंगा लहराया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके करीबी सैमुअल के बीच हुई थी बातचीत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के मामले में अब एक और नया खुलासा सामने आया है, जिसके तहत जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की कथित तौर पर उन्होंने अपनी जान दे दी थी, उस दिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई थी। 14 जून को दोनों के बीच में बातचीत हुई, फिर आगे भी फोन पर दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। इस नए खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे। पहले ही यह बात सामने आई है कि सैमुअल रिया का बेहद खासम खास था, कई बार उसने सुशांत के खाते से रुपए भी निकाले हैं और इस खुलासे के बाद अब सुशांत के जान जाने को लेकर सैमुअल पर भी शक गहराता जा रहा है। झंडोत्तोलन के दौरान कलेक्ट्रेट में की गई खुद की जान लेने की कोशिश, यह वाकया गोपालगंज का है। यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के दौरान साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण के दौरान एक महिला ने अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूदा महिला पुलिसकर्मियों ने तत्परता से काम लेते हुए महिला को बचा लिया। बाद में पुलिसकर्मियों ने महिला को शांत करवाकर उनसे सवाल जवाब भी किए, जहां महिला ने डीएम और एसपी के सामने नगर थाने के इंस्पेक्टर पर 2 लाख लेकर कुछ लोगों को मनमाने ढंग से छोड़ने की बात कही है। महिला फुलवरिया थाने के निवासी भृगुनाथ तिवारी की पत्नी ने बताया कि 22 जुलाई को उनकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती पोस्ट ऑफिस चौक के पास से उठा लिया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस को करने के बाद मामला दर्ज नहीं किया गया।
इसी बीच उनकी बेटी को उठाने वालों ने फोन करके 2 लाख रुपए की मांग की थी। परिजन वहां पहुंचे तो किशोरी बोलेरो में थी। आसपास के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मगर पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और दोनों को बाद में जाकर छोड़ दिया। सूबे में शिक्षकों के नियोजन में हो रही समस्या का फोन पर होगा निदान। राज्य में 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,763 शिक्षक नियोजन संबंधी अब हर तरह की समस्या का समाधान एक फोन कॉल पर होगा। मिली जानकारी के अनुसार नियोजन संबंधी किसी शिकायत को समस्या समाधान के लिए शिक्षा विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में टेलीफोन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके तहत अब कोई भी अपनी बात रखने के लिए उसके निदान के लिए 0612221581 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। तत्काल संज्ञान लिया जाएगा, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक नियोजन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर शिकायत की जांच करने के लिए जिला में मुख्यालय के अधिकारी को भी भेजा जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय 15वें स्थान पर। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई सूची में बिहार में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार CUSB को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग और स्कोरिंग पर विस्तृत अध्ययन के बाद रैंकिंग लिस्ट जारी की है। CUSD की रैंकिंग में निर्धारित 100 अंकों में 63 अंक मिले हैं। कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर एवं सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बधाई दी गई है। साथ ही उन्हें बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान मिलना हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। 99% राशन कार्ड के वितरण करने का सूचना सचिव अनुपम कुमार ने दी जानकारी। COVID-19 संक्रमण की रोकथाम और अलग अलग नदियों के जलस्तर को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के संबंध में सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार ने बीते दिन सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि COVID-19 और बाढ़ की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा पूरी सजगता के साथ काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राशन कार्ड धारियों के बारे में बताते हुए बताया कि राशन कार्ड धारी सुयोग परिवार के लिए नए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। इनमें से अब तक 23,04,089 राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रकार 99% राशन कार्ड का काम पूरा हो चुका है। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जिन्होंने आगे बताया कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5,58,553 योजनाओं के अंतर्गत 13,10,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। COVID-19 से प्रभावित की संख्या में बिहार पहुंचा 5वें नंबर पर। 15 दिनों पहले बिहार देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में काफी पीछे चल रहा था। वहीं बिहार में लगातार COVID-19 के बढ़ रहे मामलों ने बिहार को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। हालांकि बिहार में हर दिन सैंपल जांच की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार की तुलना में बीते दिन 17,000 के लगभग बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि बिहार की तरफ से राहत की खबर यह आई है, बिहार में संक्रमण की दर कम करके 3.23% हो गई है। 2800 और मरीज ठीक हो गए और अब राज्य में कुल मिलाकर 65,307 संक्रमित स्वस्थ हैं। COVID-19 जांच के मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की इस अवधि में देश में 8,48,728 COVID-19 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें बिहार में 1,21,320, उत्तर प्रदेश में 96,100 जांच हुई है, आंध्र प्रदेश में 50,664 और तेलंगाना में 22,046 सैंपल की जांच की जा चुकी है। देश में कुल जांच की संख्या 14.3% बिहार में हुई है। अंकिता लोखंडे के फ्लैट के EMI का सच आया सामने। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा होते जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले इस बात की अफवाह भी सुनने में साफ तौर पर आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट का EMI सुशांत सिंह राजपूत ही भर रहे थे। हालांकि अब अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी सोशल मीडिया पर तुरंत साझा की है, जिनमें कहा गया है कि दिवंगत अभिनेता उनके फ्लैट के लिए EMI का भुगतान कर रहे थे। अंकिता ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी साझा करते हुए लिखा है कि यहाँ मैं सभी कयासों को समाप्त करती हूँ, जितना पारदर्शी हो सकता है मेरे फ्लैट का पंजीकरण और साथ ही मेरे बैंक स्टेटमेंट तक मासिक आधार पर मेरे खाते से EMI की कटौती की जा रही थी, मुझे और कुछ नहीं कहना। जदयू लोजपा में जारी तनातनी पर तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जदयू और लोजपा के बीच में तनातनी अब किसी से भी छुपी नहीं है, लगातार दोनों के बीच की अनबन लोगों के सामने आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा झंडोत्तोलन करवाए जाने के दौरान कहा कि यह उनके घर का मामला है, अभी कुछ होने दीजिए, उसके बाद मैं इस पर ध्यान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और लोजपा के बीच जारी तनातनी के बीच लोजपा ने आज अपनी बैठक बुलाई है, जहां पर COVID-19 संक्रमण के साथ साथ बाढ़ पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जीतन राम मांझी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में लिए जा रहे फैसलों का हमारी पार्टी स्वागत करती है, उनके निर्णय का समर्थन करते हैं, जिसके तहत जीतन राम मांझी ने बीते दिन ट्वीट किया है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष के लिए जा रहे फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी, आप शिक्षकों के पक्ष में फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की मांग पर जल्द ही कोई फैसला लेने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कही अहम बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में 3-3 वैक्सीन ट्रायल पर चल रही है। जैसे वैज्ञानिकों की तरफ से इसे मंजूरी दे दी जाती है, इसे बड़े पैमाने पर लोगों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि जो भी कोविड-19 की बात होती है तो हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि वैक्सीन कब तैयार होगी। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनि की तरह है, जो लगातार लैब में कड़ी तपस्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वैक्सीन अलग अलग चरण में चल रही है। वैज्ञानिकों ने जब हरी झंडी मिल जाएगी तो बड़े पैमाने पर इसको बनाने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, वैक्सीन को हर इंसान के पास पहुंचाए जाने के लिए इसका खाका तैयार कर लिया गया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार एनडीए में जारी अनबन के बीच लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अपने आप को दूर कर लेंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।